उमर हिम्मत करो प्लीज। उमर भाई, उमर भाई आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो जी। उमर भाई आपको एक बात बताना चाहूंगी। थोड़े दिनों पहले मोहन भाई मिले हमें, तो कहने लगे जितने भी स्टेज पे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, इन सबको मैंने सिखाया, सबने मेरे किए हुए जोक्स भी किए, मैंने इनको गाइड भी किया, ये आगे भी बढ़े, पर किसी ने कभी खड़े होके उमर की तरह ये बात एडमिट नहीं की कि मोइन ने मुझे कितना सपोर्ट किया, आज मैं जहाँ हूँ उसमें मोइन अख्तर का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इतने बड़ा दिल जो है वो सिर्फ उमर का है, जिसने हमेशा इस बात को एडमिट भी किया और हमेशा सबके सामने बरमला बोला। ये वो बात है जो वो थोड़े दिनों पहले मुझसे वो कर रहे थे, तो मुझे लगा ये मौका है कि मैं ये बात आपको बताऊं। उमर के नहीं, पास वो हमेशा मुझे बहुत प्यार करते थे। जब मैं फिल्मों में गया, फिल्में मेरी बहुत हिट हुई, मैं वहां बिजी हो गया, मैंने लाहौर में थिएटर बनाया, वो मुझे मुबारकबाद देने आए लाहौर, बहुत प्यार करते थे। और अगर मैं आज रो पड़ा हूं तो ये हकीकत में उनकी कोई अच्छाई है जो मेरी आंख से आंसू निकले हैं, मेरी अच्छाई नहीं है, ये उनकी अच्छाई ने, उनकी किसी खूबी ने मुझे रुलाया। नहीं उमर, उनकी अच्छाइयां तो बहुत सी थी, उनकी अच्छाइयां बहुत सी थी, लेकिन आप में भी है। कि मैं आपको बताऊं कि जब ये हरियाले बनने की शूट से ही मैं उमर के पास गई, उमर से बात कर रही थी, तो मैंने उमर से कहा, मैंने कहा उमर कितने दिन हो गए मिले हुए मोइन से? तो कहते हैं दादाबा जी मैंने 3-4 दफ़ा फ़ोन किया, तो फ़ोन उनका बंद आ रहा था, तो मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने कहा उमर मोइन ना बहुत कमज़ोर हो गए, बस मेरा ये कहना था कि राणा साहब आप सोच नहीं सकते कि ये तो अभी उमर कुछ भी नहीं, मतलब उमर चीखे मार मार के, धाड़े मार मार के, और आप सोच सकते हैं कि 2-2.5 बजे का टाइम था, 2-2.5 बजे से लेके उमर सुबह तक 2-3 घंटे तक सिर्फ यूं करके तो मोइन की जिंदगी की दुआएं करता रहा, रो रो के, अल्लाह मियाँ उसको जिंदगी देना, हमारे सर पे सलामत रखना, इतना ये रोया, इतनी इसने दुआएं की, शायद हमसे ज्यादा प्यार अल्लाह ने करता था। जी उमर साहब, राणा साहब मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूँ मोइन भाई के लिए, एक लाइन कहना चाहता हूँ। जी जी प्लीज प्लीज। जैसे हम लोग कोई कोई किसी कोई डेलीगेशन आता है तो उसको हम अपने डिपार्टमेंट की कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, उसका इंट्रो दिखाते हैं, हम हमारी फील्ड की जो है ना मोइन भाई शोरील थे, उनको हम बताते थे कि यार हमारे मोइन भाई, मतलब जैसे हिंदुस्तान भी मैं गया हूँ, हालांकि मुझे बहुत लोग हिंदुस्तान में चाहते हैं, मानते हैं, बात करते हैं, लेकिन मैंने उन जब उन्होंने कहा मोइन भाई को बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे अपने से ज्यादा खुशी हुई कि मुझे पसंद करे ना करे, लेकिन यार मेरे बड़े को पसंद कर रहे हैं ये लोग। तो वो एक जो अपने अपना आदमी होता ना जो डांटता है, वो नहीं रहा हमारे पास अब ऐसा डांटने वाला, और किसी में जरूरत भी नहीं है मुझे डांटने की बाखुदा, इस सिर्फ मोइन भाई के पास यह हासिल था कि वो मुझे डांटते थे और बहुत बुरी तरह डांट के मुझे बिठा के डांटते थे कि आप अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझने लगे, बस अपना जरा तरीके ठीक करें, ये मुझे शिकायत मिली आप ऐसा ना आइंदा ना हो ऐसा। तो मुझे वो सब बातें इतनी पसंद थी, अब मुझे कोई डांटने का बस मुझे ये सोच सोच के रोना आ रहा है कि मेरे अब ये बड़ा कौन है मेरा, मुझे ये बहुत जो है ना ये खौफनाक सोच है कि अगर आपके पास कोई बड़ा ना रहे या तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा या आपको दुरुस्त करेगा, हमारे पास दोनों ही चीज़ें उनसे लेते थे हम, कोई अच्छा काम करके मैं उनके सामने जाता था ताकि ये तारीफ करें तो वो मुझे खुशी होती थी, या कोई गलत बात हो जाती थी मुझसे तो मैं उनके सामने नहीं जाता था कि ये डांटेंगे, तो वो बुलवाते थे कि यार देखो वो उधर छुप रहा है उसको लेकर आओ मेरे पास। तो ये सब आज हम सोचते हैं ना, पहले वो जिंदा थे तो ऐसा लगता था यार जब भी मिलेंगे मोइन भाई से मिल लेंगे, जब दिल करेगा मिल लूंगा, लेकिन अब मैं तो उनसे नहीं मिल सकूंगा, लेकिन
मोइन भाई आप जहाँ भी हो यार, उमर अपना ख्याल करो, अब हमारे पास आप हो, आप अपना ख्याल करो उमर। उमर शरीफ और मोइन अख्तर का एक और क्लिप बकरा किस्तों पे जी। सुनो हाँ? बुड्ढा घर पे है। तुमसे कितनी मरतबा कहा है, जमीन से बात किया करो। जानती नहीं हो, ये मेरा स्टाइल है, इंडियन फिल्म में मेरी कमजोरी है, रेखा मेरी मंजिल है। क्या? मगर तुम तो मुझसे प्यार करते हो। प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, हासिल रेखा को करना चाहता हूँ, ख्वार श्रीदेवी को करूंगा, और वैसे भी सुना है सलमा का आजकल खाली है। ओहो भाई, आप हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है जो हर वक्त इंडिया की तारीफ करते हो? हमारे मुल्क में अगर किसी चीज की कमी है तो वो अपने मुल्क के चीजों को पसंद करने की कमी है। जब तक मेरा नाम इलियास था, मुझ पे मक्खी नहीं बैठती थी, और जब मैंने अपना नाम बदलकर आनंद कुमार शर्मा रख लिया है, सुबह दोपहर शाम तीनों शो हाउसफुल जा रहे हैं, तीनों शो हाउसफुल जा रहे हैं। और अगर लड़कियों के उस रश में तुम मुझे भूल गए तो फिर तुम भी मुझे भूल जाना पा रहे हो। तो क्या प्यार भुलाने के लिए होता है? ना ना, आजकल प्यार सताने के लिए होता है, तपाने के लिए होता है, जलाने के लिए होता है, पटाने के लिए होता है, भगाने के लिए होता है, फंसाने के लिए होता है, शादी के लिए नहीं होता। खुदा के लिए, खुदा के लिए एक बार तेरे खाते पाकिस्तान लौट आओ, पाकिस्तानी बन जाओ। जब मैं सीधा साधा पाकिस्तानी था, मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कहा? तुमने कहा परयाट बावले। और तुम्हें याद है तुम जहाज में एयर होस्टेस थी, फ्लाई कर रही थी, और मैं दुम में बैठा हुआ था। मैंने तुमसे दुम में से कहा, मैंने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें याद है तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा था गेट आउट। करेक्ट, मैं इतना बावला उस वक्त भी नहीं था कि चलते हुए जहाज से कूद जाता। और आज जब पाकिस्तानी कोरल लट्ठे के ऊपर मेड इन इंडिया की मोहर लगकर आ गई है, तो थान धड़ाधड़ बिक रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा है। मगर तुम तो कहते थे तुम मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अरे चला चला चला, आजकल हम लड़कों के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुम जैसी लड़कियों के पीछे अपना वक्त बर्बाद करे पड़े। क्या? और नहीं तो क्या? अरे शुक्र करो हम लोग तुम्हारी तरफ देख भी लेते हैं, अगर हम ना देखें तो तुम्हारी सारी जिंदगी आईने से ये पूछती हुई गुजर जाएगी कि बताओ तो सही मैं कैसी हूँ। सारी जिंदगी बर्दाश्त करते हैं, सारी सारी जिंदगी, चौथे दिन आईना जाएगा परे हट, नहीं तो यस यस फॉर मी। यस सर, को हट को हट। ऑल राइट सर, प्लीज कैरी ऑन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ओए बुड्ढा घर पे है? बेटा एक दफा तेरा घर पता चल जाए, मुझे भूलने की बीमारी है, फिर तू सारी जिंदगी पूछता फिरेगा अम्मा घर पे है। हेलो अंकल, हाय। कौन है ये? ये आनंद है, मैं जिस फ्लाइट पे सफर करती हूँ ये उसी फ्लाइट पे सफर करते हैं। ओ फजाई ख्वार हैं जी सर, आसमानी छिछोरे। राइट सर, ओके नो प्रॉब्लम, आई टॉक विद हिम, नो प्रॉब्लम, आई टॉक। व्हाट सर? ओह गुडनेस प्लीज सर, माय नेम इज आनंद कुमार शर्मा। शर्म करो, बुजुर्गों के सामने खड़े होकर उचक रहे हो। Boy, yes sir. Are you Indian? No sir, I'm very much Pakistani. Oh, you local? आज पाकिस्तान चौक पे जी कोशिश की मैंने कि कुछ बातें, कुछ यादें मोइन अख्तर साहब की हम करें। सवालात कोई नहीं मेरे पास, सिर्फ यादें हम शेयर की हमने जी आज। उमर शरीफ साहब इज अ लिविंग लेजेंड जी, कदर करें हम लोग उनकी, उनका ख्याल करें, उनकी इज्जत करें। और बड़ी अच्छी बात कही उमर शरीफ साहब ने कि जो लोग जिंदा हैं
जो फनकार जिंदा हैं उनकी कदर कीजिए। जाते जाते उमर शरीफ साहब से और अपने मौजज मेहमानों से, सबकी सब आंखें नम हैं इस वक्त, चाहे वो स्टूडियोज में हो या स्टूडियो से बाहर हो, लेकिन एक एक जुमला सुनना जरूर पसंद करूंगा मोइन अख्तर साहब के लिए। उमर शरीफ साहब आखिरी अल्फाज कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ औरंगी टाउन में माँ के नाम से। मैं जो उसकी इंशाल्लाह ताला ओपीडी की ओपनिंग करने वाला हूँ और उसको मैं मोइन भाई के नाम से मंसूब करूँगा इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। रज़ाला आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आर्टिस्ट तो हम वैसे नहीं बन सकते, लेकिन हमें वैसा इंसान बनने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जो काम वो अधूरे छोड़ गए, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें पूरा करें। उसी तरह गरीबों का, उसी तरह अपने कुलीग्स का, आर्टिस्टों का ख्याल रखें और इज़्ज़त करें, और हम साबित कर दें कि हम वाकई आर्टिस्ट एक हैं, अलहदा नहीं है एक दूसरे से। सदफ, मैं जी बस यही कहना चाहूँगी, मोइन भाई ने अपने हर स्टेज शो में, हर सीन में हमेशा एक ही मैसेज दिया, ओन करने का। अपने मुल्क को ओन करना सीखें, अपने लोगों को ओन करना सीखें। और जब ऐसे हालात हैं, अब के हमारे मुल्क के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं और अच्छे लोग भी अब जाते जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके जो मैसेजेस हैं, ओनर, हमें मुल्क को ओन करना चाहिए, आपस में भाईचारा कायम करना चाहिए। अपने लोग हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, लेकिन अपने हैं, इन्हें ओन करें, इन्हें अपनाएं, इनको बिल्कुल एक इग्नोर ना करें, इनकी ज़िंदगी में इनको वैल्यू दें, अच्छे बुरे अपने लोगों को अपनाएं, बजाय इसके कि हम कहीं और के लोगों को वैल्यू दे रहे होते हैं, उनके जज्बात को समझने की ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, पास के लोगों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ना करें, आपस में भाईचारगी पैदा करें। देखिए, जो भी लोग बात कर रहे हैं मोइन भाई की, उनकी एक के वो बहुत अच्छे फनकार थे, लेकिन इसके साथ साथ हर बंदा उनकी लाइफ के बारे में बात कर रहा है कि वो एक अच्छे इंसान भी थे। तो मेरा सबसे बस यही है कि हम लोग ठीक है, मोइन भाई फनकार हैं, जो नॉर्मल लोग भी हैं वो भी अपनी ज़िंदगी को कोशिश करें, उसमें हम सब भी हैं, कि हम भी कोशिश करें कि हम मोइन भाई की तरह लोगों की मदद करना और हर किसी से अच्छी बात करना शुरू करें। इमरान, आप बहुत कम बोले, आज मेरे ख्याल में कोई डांटने वाला नहीं है आपको कि चश्मा पहने आप। बेशक, बात फैक्ट है कि आज कोई डांटने वाला नहीं है, बल्कि मोइन भाई के जाने के बाद एक सवाल सा रह गया कि अब हमें कौन हंसाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं उमर भाई से भी है ना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अब आपको डांटने वाला तो नहीं रहा, लेकिन हमें डांटने वाला अभी भी मौजूद है। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें। फजाला अबा, आप भी उम्र को लंबी जिंदगी, सेहत तंदुरुस्ती, और मेरी हर एक से जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, खुदा के लिए हमारी उम्र के लिए जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती की दुआएं करें, और अल्लाह ताला उसको हमारी उम्र लग जाए, बस उसको इसी तरह हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए उसका साया सलामत रखे। एक फातिहा पढ़ लें? जरूर, बिल्कुल। उमर भाई फातिहा पढ़ेंगे जी। फातिहा करेंगे जी।
اللہ تعالیٰ معین اختر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی، رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. خدا را ہیروئن سے پرہیز کیجیے. تھا یقین کہ